पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जहां अपने कथित अश्लील ऑडियो टेप को लेकर चर्चाओं में हैं, तो वहीं उनकी पूर्व पत्नी रह चुकी रेहम खान ने तीसरी बार घर बसा लिया है। पाकिस्तानी ब्रिटिश पत्रकार रेहम खान ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें डाली हैं, जिसके साथ कैप्शन लिखा है, आखिरकार मुझे वो इंसान मिल गया जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। 49 साल की रेहम खान ने 13 साल छोटे मिर्जा बिलाल संग शादी की है। मिर्जा बिलाल अमेरिका में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है और पूर्व में मॉडलिंग भी किया कर चुके हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो पाकिस्तान के राजनीति को लेकर व्यंग वाले वीडियो भी डालते रहे हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के द फोर मेन शो, दिल पे मत ले यार और नेशनल एलियन ब्रॉडकास्ट जैसे शोज भी कर चुके हैं। रेहम और बिलाल ने अमेरिका के सिएटल में शादी की है। बता दें कि इस शादी से पहले रेहम खान और इमरान खान ने 2014 में शादी की थी, जो एक साल भी नहीं टिक पाई। 2015 में तलाक लेने के बाद भी रेहम खान पानी पी पी कर इमरान खान पर हमला बोलती रही है। यहाँ तक कि रेहम ने अपनी किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इमरान खान पर संगीन आरोप लगाए हैं। रेहम खान ने इमरान पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं और आखिर रेहम खान है कौन, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रेहम खान के 36 साल के पति मिर्जा बिलाल पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन रहते अमेरिका में हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट डेली पाकिस्तान के मुताबिक रेहम के पति मिर्जा बिलाल की भी तीसरी शादी है। इससे पहले वो 2 शादियां कर चुके हैं। इससे पहले शादी से उनका एक बच्चा भी है। बात करें रेहम खान की, तो इमरान खान से शादी से पहले रेहम खान टीवी एंकर और मौसम का हाल बताती थी। उनकी शादी 1993 में अपने चचेरे भाई एजाज रहमान से हुई, जो पाकिस्तानी मनोवैज्ञानिक थे। इस शादी से रेहम खान के 3 बच्चे हुए, हालांकि साल 2005 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद 2014 में रेहम खान ने इमरान खान से शादी की, जो 10 से 15 महीने में ही खत्म हो गई। उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं थे, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी पीटीआई के मुखिया जरूर थे। दोनों का तलाक इतना कड़वा था कि इमरान खान जब 2018 में पाकिस्तान के पीएम बने, तो उसी साल रेहम खान ने अपनी एक किताब लॉन्च की, जिस पर उन्होंने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए। रेहम ने इमरान को लेकर किताब में कहा कि इमरान ने एक बार उन्हें बताया था कि 70 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री से उनका अफेयर था। इसके अलावा उनकी 5 नाजायज औलाद है, जिनमें से कुछ भारत में भी है। इसके अलावा रेहम ने इमरान पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया था। रेहम ने किताब में दावा किया कि इमरान ड्रग्स के आदी हैं, शादीशुदा होते हुए भी लगातार महिलाओं से अफेयर रखते हैं, वो कोकेन की लत में रहते हैं। इमरान की जिंदगी के बारे में उन्होंने कहा कि वो सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल से भरी हुई है। हालांकि इन किताब में सनसनीखेज खुलासों को लेकर रेहम खान को क्रिकेटर वसीम अकरम समेत 4 लोगों ने लीगल नोटिस भेजा था। 49 साल की रेहम खान का जन्म 3 अप्रैल 1973 को लीबिया में हुआ था। जो पत्रकार होने के साथ साथ कमेंटेटर भी हैं, वो मशहूर लेखक भी हैं और फिल्मकार भी। रेहम खान की पढ़ाई के बारे में बात करें, तो उन्होंने पेशावर के जिन्ना कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। साल 2006 में उन्होंने बतौर टीवी होस्ट अपने करियर की शुरुआत की। एक ही साल में रेहम खान ब्रिटेन के सनराइज रेडियो स्टेशन में काम करने लगी। साल 2008 में उन्होंने बीबीसी में काम करना शुरू किया, जिसके बाद साल 2015 में वो डॉन न्यूज के साथ द रेहम खान शो करने लगी। रेहम खान को उर्दू और अंग्रेजी के अलावा 4 और भाषाएं आती हैं। हालांकि अपनी 2 असफल शादी के बाद भी इस साल जुलाई 2022 को रेहम खान ने एक पाकिस्तानी YouTube शो में कहा था कि वो तीसरी बार शादी करने को लेकर तैयार हैं और जिस शख्स पर वो विश्वास करती हैं उससे आखिरकार उनकी शादी हो गई। खास बात यह है कि मिर्जा बिलाल और रेहम खान दोनों ही इमरान खान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं।